Hello friends, welcome to Edu Mantra. So from today we are going to start a new course for the IIT Foundation. This course is very much useful for the standard 8th, 9th, 10th and 11th students who are still learning their basics into the science and specifically into the biology. IITs across the India were predominantly designed for the courses including chemistry, physics and maths. But later in some years, there was introduction of the biology subject into the IITs. That is, the biology is also there into the IIT. You can learn biology, you can become a biology expert by learning into the prestigious institutes of IIT. So for that, you have to give a common entrance exam. Now to clarify that exam, one has to study hard. So, right after the 12th, if you go for studying biology and to give the exam, it becomes more difficult. And therefore, we are going to learn biology right from standard 8, 9, so that once you will go into the standard 12, you will be thoroughly prepared for the biology and then you can give the entrance exam for the IITs. So, चलो आज हम लोग देखेंगे IIT Foundation के लिए biology को किस प्रकार से prepare करेंगे. तो सबसे पहले आज हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा easy topic देखेंगे और topic का नाम है modes of reproduction in lower organisms and plants. So, lower organism का मतलब ऐसे organisms जो organism unicellular है या फिर मल्टीसेल्युलर होते हुए भी वो माइक्रोस्कोपिक है और प्लांट्स तो सभी को मालूम है. सो इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सो आज हम लोग देखते हैं कि रिप्रोडक्शन है क्या. रिप्रोडक्शन इज अ मेथड बाय विच ऑर्गेनिजम्स कैन लिव ऑन द अर्थ फॉर सेवरल इयर्स. एक्चुअली नो ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं है, मतलब कि वो अमरत्व लेके नहीं आया है. लेकिन अगर उसे अपना अस्तित्व एग्जिस्टेंस अगर इस अर्थ पे बनाए रखना है तो उसे खुद के जैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स और आगे बढ़ाने होंगे या बनाने होंगे. इसी तरह से रिप्रोडक्शन की वजह से लाखों सालों से लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस मदर अर्थ पे अपना एग्जिस्टेंस बना के रखे है. रिप्रोडक्शन जो है वो लाइफ को जीने के लिए कोई एक इसेंशियल मेथड नहीं है. ओके, सो दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज नॉट एक्चुअली इसेंशियल वन. बिना रिप्रोडक्शन किए भी वो ऑर्गेनिज्म जी सकता है, लेकिन अगर उसे अपनी स्पीशीज का एग्जिस्टेंस आगे बढ़ाना है तो खुद के मरने के बाद अपने सारे जो आगे की जनरेशन है वो अर्थ पे होनी चाहिए, इसीलिए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा. सो रिप्रोडक्शन इज नॉट इसेंशियल फॉर लिविंग बट इट इज इसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज ऑन द मदर अर्थ. इस रिप्रोडक्शन में अभी हम लोग देखने वाले हैं लोअर ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं. सो लोअर ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसे दो टाइप आते हैं. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका मतलब क्या होगा कि जो एक ऑर्गेनिज्म है, हम लोग यहाँ पे एक स्कीमेटिक देखते हैं कि इफ दिस इज अ ऑर्गेनिज्म. ओके, सो अगर ये एक ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा. जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करेगा उसे हम लोग बोलेंगे पैरेंट. रिप्रोडक्शन की वजह से जो ऑर्गेनिज्म अभी बनने वाला है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जन्म लेगा, उसे हम लोग बोलेंगे ऑफस्प्रिंग. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही ऑर्गेनिज्म होता है, एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो खुद के जैसा नया ऑफस्प्रिंग बनाता है. तो यहां पे दो पेरेंट्स नहीं होते हैं, ओनली अ सिंगल ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग and hence it is called as asexual reproduction. Okay, अभी इसमें आते हैं sexual reproduction में. Sexual reproduction में दो organisms होते हैं, दो
पैरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये दो पैरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या करते हैं, तो उनके जो जेंडर्स होते हैं या उनके जो सेक्सेस होते हैं वो अपोजिट होते हैं। वन इज नोन एज मेल एंड अदर इज नोन एज फीमेल। आज हम लोग उनके लिए कुछ सिंबल्स भी देखेंगे। मेल के लिए हम लोग एक राउंड बनाएंगे और उसको एक ऐसा एरो दिखाएंगे। फीमेल के लिए हम लोग एक राउंड बनाएंगे और उसके नीचे एक ऐसा क्रॉस दिखाएंगे। सो दो ऑर्गेनिज्म जो अपोजिट सेक्सेस वाले होते हैं, ये दोनों फर्टिलाइजेशन करके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ये नया ऑर्गेनिज्म जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स में इन दोनों का थोड़ा बहुत मिक्सचर होता है, लेकिन ये इन दोनों के जैसा एग्जैक्ट नहीं होता है, इसकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब वापस असेक्सुअल में आते हैं। असेक्सुअल में जो पैरेंट है उसने रिप्रोडक्शन के लिए दूसरे पैरेंट का हेल्प नहीं लिया है। इसके लिए इस पैरेंट से तैयार होने वाला जो ये ऑफस्प्रिंग है वो एग्जैक्ट इस पैरेंट के जैसा ही कॉपी होता है। सो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग हैज मिक्स कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम बोथ द पैरेंट्स। यहाँ पे पैरेंट के एग्जैक्ट कॉपी ये ऑफस्प्रिंग होने वाला है। दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फीशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये सब टाइप होते हैं। चलो हम लोग ये जो सब टाइप्स है उनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं फीशन। फीशन का मतलब है दो टुकड़े होना। सो फीशन में जो मेन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जो पैरेंट होता है, उसी के दो टुकड़े हो जाते हैं और दो नए ऑफस्प्रिंग बनते हैं। फीशन किस तरह से होता है वो देखते हैं हम लोग। फीशन में है दो टाइप्स, बाइनरी फीशन और मल्टीपल फीशन। बाइनरी फीशन में क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो धीरे धीरे ऐसे खींचना चालू होता है। उसका साइटोप्लाज्म जो है वो दो अपोजिट डिरेक्शन में ट्रैवल करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से उसका ये अंदर जो न्यूक्लियस मैंने दिखाया है, देखो वो न्यूक्लियस भी इस तरह से खींचना चालू हो जाता है। इस तरह से खिंचाव की वजह से फिर अंदर का न्यूक्लियस स्ट्रेच होके उसके दो छोटे न्यूक्लिया अंदर बन जाते हैं और फिर ये साइटोप्लाज्म भी धीरे धीरे स्ट्रेच होके दो छोटे ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं। सो हियर दिस वन इज, ये जो है अंदर ये न्यूक्लियस है और ये बाहर जो भी है वो साइटोप्लाज्म है। अब ये इस तरह का फीशन, फीशन का मतलब ब्रेक होके टुकड़े बनना, तो ये फीशन जो है वो होने की वजह से क्या हो गया, देखो नए दो ऑफस्प्रिंग बन गए और पैरेंट एक ही था। देयरफॉर दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहां पे दो पेरेंट्स नहीं थे, एक ही पैरेंट के दो टुकड़े होके ऑफस्प्रिंग बन गया। इस मेथड का ड्रॉबैक ये है कि एक बार ऐसा रिप्रोडक्शन होने पर जो दो नए बनते हैं वो दोनों भी ऑफस्प्रिंग होते हैं। पैरेंट अपना एग्जिस्टेंस खो देता है। एक बार फीशन होने के बाद जो नए बने हैं उसमें कोई भी पैरेंट नहीं है, ये दोनों के दोनों ऑफस्प्रिंग है। सो अब ये ऐसा वाला फीशन जिसे बाइनरी, बाइनरी मतलब एक से दो टुकड़े होना, ये बाइनरी फीशन जो है वो किस में पाया जाता है, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप लोग याद रखने वाले हैं अमीबा। ओके, अमीबा में इस तरह से बाइनरी फीशन होता है। और एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं पैरामेशियम। सो अमीबा और पैरामेशियम, इन दोनों में बाइनरी फीशन होता है। कभी कभी ऐसे होता है कि ये जो फीशन है, मतलब खुद के टुकड़े कर लेना, ये कभी कभी ऐसे होता है कि ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपने फीशन से दो ऑफस्प्रिंग बना तो लेते हैं, लेकिन उन्हें नरिशमेंट, उनको जीने के लिए लगने वाला फूड, ये सब जल्दी नहीं मिल पाता है। सो बाइनरी फीशन कभी होगा जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे है, ये यूनिसेलुलर सेलुलर ऑर्गेनिज्म जहाँ पे है वहाँ पे फूड अगर अवेलेबल है तो ही ये बाइनरी फीशन होता है।
अगर फूड अवेलेबल नहीं है और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर रिप्रोडक्शन कराना है तो वो क्या करेगा? सो देन देयर गोज अ सेकेंड टाइप ऑफ फिशन. फिशन का दूसरा टाइप है मल्टीपल फिशन. ओके, सो पहला टाइप था बाइनरी. बाइनरी का मतलब एक से दो टुकड़े होना. अब मल्टीपल फिशन है, मल्टीपल का मतलब एक से बहुत सारे टुकड़े होना. तो ये सेम बाइनरी फिशन की प्रोसेस अगर वो ऑर्गेनिज्म बार बार दोहराएगा, जैसे कि यहाँ पे एक से दो हो गए, करेक्ट, लेकिन ये दो से और दो, दो से चार, ऐसे अगर होते रहे तो क्या होगा, बहुत सारे बन जाएंगे, लेकिन वो एक साथ बनने चाहिए. और इसके लिए वो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे दिखाया है, दिस इज मे बी अ केस. दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए हम लोग, प्लाज्मोडियम. जिसकी वजह से हमें मलेरिया होता है, वो प्लाज्मोडियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. ये प्लाज्मोडियम जो है, इसमें इस तरह से मल्टीपल फिशन होता है. प्लाज्मोडियम जब भी अपनी आरबीसी के अंदर जाता है, तभी वो क्या करता है, अपने इर्द गिर्द, ये जो मैंने रेड दिखाया वो आरबीसी नहीं है, ओके, अपने इर्द गिर्द वो क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है. इस प्रोटेक्टिव लेयर को हम लोग बोलेंगे कि उसने एक गांठ जैसा स्ट्रक्चर बना लिया, तो इसको मैंने नाम दिया सिस्ट, CYST. तो उसने अपने इर्द गिर्द एक सिस्ट बना ली. अब इस सिस्ट के अंदर रहते ये जो प्लाज्मोडियम है वो क्या करेगा, खुद के बहुत बार माइटोटिक डिवीजन कर करके बहुत सारे छोटे छोटे ऑफस्प्रिंग बना लेगा इस प्रोसेस जैसे ही. और इस तरह से क्या हो जाएगा, अंदर एक प्लाज्मोडियम से बहुत सारे छोटे प्लाज्मोडियम के ऑफस्प्रिंग्स बन जाएंगे. जब फेवरेबल सीजन आ जाएगा, फेवरेबल सीजन मतलब जब भी उसको नई आरबीसी में जाना है, वहां पे उसको और फूड नरिशमेंट मिलने वाला है, तब ये जो सिस्ट बनी है, ये जो ऊपर से सिस्ट बनी है, वो ब्रेक हो जाती है. ब्रेक होने पर अंदर से वो बहुत सारे प्लाज्मोडियम बाहर आ जाते हैं और फिर न्यूली लाइफ जीना चालू करते हैं. सो यहाँ पे एक से बहुत बन गए, मेनी फ्रॉम वन, देयरफॉर इट्स नेम इज मल्टीपल फिशन. बहुत बार टुकड़े होना, ये दो बार टुकड़े होना. सो फिशन मतलब ही टुकड़े होना, ये है पहला टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें सिंपल माइटोटिक डिवीजन की वजह से या सिंपल साइटोप्लाज्म के स्ट्रेचिंग की वजह से ऑर्गेनिज्म एक से दो बनते हैं या एक से अनेक बनते हैं. इसके लिए हम लोगों ने जो एग्जाम्पल देखा वो था बाइनरी फिशन में अमीबा या पैरामेशियम और मल्टीपल फिशन में प्लाज्मोडियम. ओके, इसका पूरा नाम अगर चाहिए तो मैं लिख के देता है, दिस इज प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, जिससे मलेरिया होता है उसका नाम प्लाज्मोडियम फाल्सीपरम है, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे डायग्राम के लिए प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के लिए बनाया था. अब दूसरा टाइप जो है, जो दूसरा टाइप है, इसे बोलते हैं बडिंग. ओके, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है एक डायग्राम जो है हाइड्रा का, करेक्ट. सो ये डायग्राम जो है, इस ऑर्गेनिज्म का नाम है हाइड्रा. ये डायग्राम यहाँ पे जितना बड़ा बनाया है उतना बड़ा हाइड्रा नहीं होता है. हाइड्रा इज वेरी वेरी माइन्यूट. हाइड्रा जो है वो माइक्रोस्कोप में भी इतना सा दिखता है. अगर मैंने यहाँ पे मार्कर से एक डॉट बना दिया बोर्ड पे तो उसमें 10-12 हाइड्रा बैठ जाएंगे. और ये इतना कलरफुल भी नहीं होता है, वाइटिश ट्रांसपेरेंट कलर वाले हाइड्रा होते हैं. सो ये जो हाइड्रा है, इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो ये मेन है, पैरेंट हाइड्रा है. ओके, इस पैरेंट हाइड्रा को यहाँ पे देखो, एक छोटा सा मैंने एक आउटग्रोथ दिखाया है. दिस आउटग्रोथ इज नोन एज बड. सिंपल माइटोटिक डिवीजन की वजह से ये बड तैयार हो जाता है. अब पैरेंट ऑर्गेनिज्म या पैरेंट हाइड्रा जो है वो तो जी रहा है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा बड भी आया है. धीरे धीरे ये जो छोटा बड है उसको यहाँ पे देखो,
इस हाइड्रा की ये जो मूछो जैसे पार्ट है इसको टेंटैकल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको भी टेंटैकल्स आने चालू हो गए। सो मेन हाइड्रा जो है, पैरेंट हाइड्रा दैट इज लिविंग, वो तो जी रहा है, लेकिन उसके साथ यहाँ पे एक ब्रांच के जैसा एक बर्ड डेवलप हो गया जिसको टेंटैकल भी आ गए। देन दिस बर्ड गेट नरिशमेंट, जो उसको सब नरिशमेंट है वो इस पैरेंट हाइड्रा से मिलने वाला है। अब ये बर्ड जब भी और बड़ा हो जाएगा, उसको अच्छा नरिशमेंट मिल जाएगा, इट विल गेट सेपरेटेड ऑफ। ओके, उसने क्या किया, पैरेंट से खुद को सेपरेट कर लिया। नाउ दिस इज अ न्यू ऑफस्प्रिंग एंड दिस इज अ पैरेंट। सो ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बडिंग। बर्ड तैयार होके वो सेपरेट हो गया। इस प्रोसेस में पहली बार ऐसा होता है इवोल्यूशन में कि जो पैरेंट ऑर्गेनिज्म है वो अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखता है, मतलब ये मर नहीं गया। ओके, वो नया हाइड्रा बनने पर भी पुराना वाला पैरेंट वाला हाइड्रा जो है वो अभी भी मौजूद है, जो कि इस बाइनरी और मल्टीपल फिशन में नहीं होता है। इसके लिए हम लोगों ने बडिंग के लिए ही और एक एग्जाम्पल यहां पर लिखा है। ये एग्जाम्पल है यीस्ट का, सैकेरोमाइसीज सेरेवेसी, इस नाम से ये यीस्ट जाना जाता है। यीस्ट जो है वो सभी लोगों को मालूम है कि ये बेकिंग में यूज़ होता है, पाव में, बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, चीज़ मेकिंग में यूज़ होता है, और फिर शुगर केन की शुगर जो है उसको फर्मेंट कराने के लिए भी ये यूज़ होता है। सो ये जो यीस्ट है, इस यीस्ट को भी देखो, मैंने यहाँ पे एक छोटा बर्ड दिखाया है। सो हियर गोज ए बर्ड, ये है बर्ड जो यीस्ट का बर्ड है। देखो क्या हो रहा है, ये अंदर जो न्यूक्लियस है, ओके, जो अंदर वाला न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे उसके अंदर जा रहा है। सो दिस इज अ न्यूक्लियर डिवीजन। एक बार क्या हो गया कि वो न्यूक्लियस उसके अंदर जाने पर बर्ड के अंदर दो न्यूक्लियाई बन गए, और ये देखो ये पैरेंट वाला यीस्ट एज इट इज ऐसे ही है, वो नहीं मरा है, बल्कि यहाँ पे एक छोटा बर्ड तैयार हो गया है, और वो छोटा बर्ड बाद में सेपरेट हो गया, और पैरेंट जो है वो यहाँ पे सेपरेट है। सो यीस्ट में भी इस तरह से बडिंग नजर आता है। सो फिशन और बडिंग, ये दो मेन टाइप हम लोगों ने अभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के देख लिए। आगे जाते हैं तीसरे और चौथे टाइप पे। अभी तीसरा टाइप जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन ये मोस्टली फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इनमें पाया जाता है। हम लोगों ने यहाँ पे एक फंगस का एग्जाम्पल लिया है जिसका नाम है राइजोफस। जनरली इसको ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। सो जब भी हम लोग ब्रेड लाते हैं या पाव लाते हैं, तो वो जब भी पुराना हो जाता है तो उसके ऊपर ब्लैक जैसा, ब्लैक ब्लैक पाउडर और थ्रेड के जैसा, कॉटन के जैसा कुछ तो स्ट्रक्चर ग्रो होता है, जिससे हम लोग बोलते हैं फंगस। सो ये जो फंगस होती है, इसके यहाँ पे जो है ये सारे हाइपेज है, मतलब धागे जैसे पार्ट, थ्रेड जैसे पार्ट, और इसमें से ये यहाँ पे ऐसे ग्रो होते हैं स्ट्रक्चर्स जो आगे जाके बलून जैसे या बैग जैसे बन जाते हैं। इनको अगर ठीक से देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो इसके अंदर और छोटे छोटे माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो बैग जैसा स्ट्रक्चर है इसको स्पोरेंजियम बोलते हैं। स्पोरेंजियम का मतलब स्पोर को स्टोर करने वाली चीज। सो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर डेवलप किया है इस फंगस ने, जिसका नाम है स्पोरेंजियम, और उसके अंदर है छोटे छोटे स्पोर्स। ये सारे स्पोर्स आइडेंटिकल होते हैं जेनेटिक मेकअप में, और ये सारे माइटोटिक डिविजन से बनते हैं। इन सारे स्पोर्स में ग्रो होके एक पूरी नई फंगस बनने की कैरेक्टरिस्टिक होती है। सो स्पोरेंजियम जैसे ही ओपन हो जाता है, ये सारे स्पोर्स हवा में उड़ जाते हैं। ये बहुत माइन्यूट होते हैं तो हमारी आंखों को नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर हम लोग ध्यान से माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, या कभी कभी प्याज भी खराब हो जाते हैं तो उसके ऊपर से ब्लैक ब्लैक पाउडर आ जाता है, वो सारे यही स्पोर्स होते हैं। सो ये सारे स्पोर्स हवा में उड़ जाते हैं। हवा से फिर अगर ये किसी कार्बोहाइड्रेट वाला सोर्स या खाने के ऊपर गिर जाए, जैसे कि रोटी है या राइस है
या सड़ी हुई सब्जियां हैं तो उनके ऊपर ये स्पोर गिरने पर इस स्पोर में से फिर से नई फंगस ग्रो होती है, और इसीलिए इस मोड़ का नाम है स्पोर फॉर्मेशन। इसमें भी माइटोसिस ही होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हम लोग इसको फिर से दोहराते हैं, राइजोफस ये नाम की जो फंगस है, इसके ये जो हाइपे है या माइसेलिया है वो एक बैग जैसा स्ट्रक्चर उनके टिप पे बनाते हैं। इस बैग में बहुत सारे छोटे छोटे एकदम माइन्यूट पार्टिकल जैसे स्पोर्स होते हैं। ये स्पोर्स हवा में उड़ के फिर जहाँ जहाँ पे भी खाने का सोर्स है उसके ऊपर जाके गिर जाते हैं, और उसमें से फिर नई फंगस ग्रो होती है। अब आते हैं दूसरे टाइप पे, रीजनरेशन। रीजनरेशन ये एक स्पेशल टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि प्लानारिया नाम के ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। कभी कभी ये हाइड्रा में भी दिखता है। इन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कभी कभी प्रिडेटर स्प्रे और ऐसे किसी चीजों की वजह से इनका कोई एक आधा पार्ट जो है बॉडी का वो लॉस हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पैरेंट प्लानारिया बनाया है, और अगर हम लोग इसको प्लानारिया को यहाँ से कट कर दे तो क्या हो जाएगा, इसका खाली ये जो हेड वाला पोर्शन है ये बच जाएगा। अब ये हेड वाला पोर्शन जो है उसको नीचे से देखो, मैंने डॉटेड में दिखाया यहाँ पे, सो नीचे से यहां से उस हेड वाले पोर्शन को टेल आना चालू हो जाती है। ये टेल पूरी तरह से डेवलप होके एक नया डॉटर प्लानारिया बन जाता है। अगर इसका टेल रीजन कट हो जाए, ये है टेल रीजन देखो, तो उस टेल रीजन को क्या नहीं है, ये हेड वाला पोर्शन नहीं है, तो हेड वाला पोर्शन उसको फिर से रीजनरेट होना चालू हो जाएगा और फिर ये नया डॉटर प्लानेरिया बन जाएगा। सो रीजनरेशन में क्या होता है, देर इज डेवलपमेंट ऑफ एनी लॉस्ट पार्ट। जो हिस्सा कट गया है या खराब होके निकल गया है वो हिस्सा फिर से बन जाता है, इसे कहते हैं रीजनरेशन, और इसीलिए ये भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। अब हम लोग जाते हैं तीसरे टाइप पे जिसका नाम है फ्रेगमेंटेशन। ये लगभग रीजनरेशन के जैसा ही होगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि किसी एक्सीडेंटल या इंजुरीज की वजह से फंगस या फिर अल्गी, फ्रेगमेंटेशन फंगस या अल्गी में पाया जाता है। हम लोगों ने यहाँ पे एक अल्गी का एग्जाम्पल लिया है, स्पाइरोगायरा। तो इस स्पाइरोगायरा में क्या होगा, एक्सीडेंटल इंजुरीज की वजह से, अभी ये स्पाइरोगायरा नदी नाले इनके किनारों पे होते हैं, तो वहाँ पे ग्रेजिंग कैटल्स होते हैं, ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है, तो हमारा पाव गिरने से अगर ये टूट गया इस तरह से, ओके, तो अगर ये टूट गया तो क्या होगा, ये एक छोटा फ्रैगमेंट बन जाएगा और ये एक छोटा फ्रैगमेंट बन जाएगा। ये छोटा फ्रैगमेंट जो है वो आगे जाके पूरा बड़ा स्पाइरोगायरा बन जाएगा, ये छोटा टुकड़ा फिर से बड़ा स्पाइरोगायरा बन जाएगा। तो फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन ये एक एक्सीडेंटल चेंज की वजह, एक्सीडेंटल ब्रेकिंग की वजह से होता है, जिसमें बॉडी, जिसे इनमें स्पाइरोगायरा या अल्गी में इसको थैलस बोलते हैं, मेन बॉडी को। सो थैलस ब्रेक्स इनटू स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स, बट दैट फ्रैगमेंट कैन ग्रो इनटू एंटायर न्यू थैलस और एंटायर न्यू ऑर्गेनिज्म। जो रीजनरेशन में ऐसा नहीं है, रीजनरेशन में क्या है, जितना हिस्सा यहाँ पे नहीं है उतना ही बनेगा, मतलब हेड तो ऑलरेडी है पुराना वाला, नया वाला खाली ये टेल इसमें बना है, सो हेड इज ओल्ड एंड टेल इज न्यू। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पूरा ऑर्गेनिज्म नया बनेगा। सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। अब आगे जाते हैं, ये हो गए अभी हमारे अब तक के 5 टाइप, फिशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। अब हम लोग जाते हैं कुछ हायर प्लांट्स की तरफ, प्लांट्स कैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, और उस टाइप का नाम है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।